You are watching Career. This is your host Abraham Mann, and today we are talking about something really important that is called communication skills. So far I've told you the main strategies for communication skills. That is, first of all, to have a good and perfect body language. Don't be so shaky when you are speaking to anybody. Later I've told you that you have to maintain your good eye contact in order to retain your connection with your receiver. And then finally I've told you about the verbal expressions and also the voice note. Let's talk further about the next strategy that is really important to have any good communication, and that is called knowledge and wisdom. When you have good knowledge about any topic, then you can actually continue your conversation with anybody at any platform with a good and authentic way. और जब आपको नॉलेज ही नहीं है, जब आपके पास विजडम ही नहीं है, तो फिर आपका कुछ भी कहना जो है वो फजूल हो जाता है। यहाँ एक बात आपसे शेयर करते चलें, ये बात वैसे तो बहुत ज़्यादा कॉमन भी है और हर किसी ने सुनी होगी कि इंसान को ज़मीन पर अशरफुल मखलूकात बनाया गया है। यहाँ ये भी बताती चलूँ कि इंसान को ज़मीन पर अशरफुल मखलूकात बनाया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वर्ड को कहा जाने के बाद इस पूरे स्टेटमेंट को लोगों को समझने का जो एक कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो चुका है। लोग ये समझते हैं कि शायद इंसान पूरी दुनिया में, यानी पूरे जहान में, पूरी यूनिवर्स में अशरफुल मखलूकात है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। स्टिल वी आर हैविंग सम अदर प्लैनेट, सम अदर गैलेक्सीज, सम अदर यू नो इंटायर सोलर सिस्टम्स अलग अलग हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। पता नहीं कौन कौन सी मखलूक दुनिया में, इस पूरी जहान में, इस पूरी कायनात में मौजूद होगी। तो हमें सिर्फ ज़मीन पर अशरफुल मखलूकात बनाया गया है। एंड देन ज़मीन पर अशरफुल मखलूकात बनने की वजह क्या है? आर वी हैविंग सम काइंड ऑफ द डायमंड्स इन आवर बॉडी? नॉट एट ऑल। हमारे पास एक चीज़ है जो कि हीरे से ज़्यादा कीमती है, एंड दैट इज़ विजडम, अकल। अकल सही और गलत के फैसले की, अकल अच्छे और बुरे की तमीज़ की, अकल फ़र्क करने की, और अकल अपने बिहेवियर और अपने आप पर कंट्रोल करने की। कहते हैं कि जब इंसान को पैदा किया गया तो उसके बाद उसे कंट्रोल देकर, उसकी ज़िंदगी का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल देकर उसे दुनिया में भेज दिया गया था। अगर वो कंट्रोल नहीं होता तो शायद हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ नहीं आती हैं, शायद हमारी जो परेशानियाँ आती भी तो भी वो अपने आप कंट्रोल हो जाती हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली दे विल बी कंट्रोल्ड बाय गॉड साइड। लेकिन क्योंकि हमें कंट्रोल दिया गया है तो हमारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स की वजह तो हम खुद हैं, और बाकी जो प्रॉब्लम है वो माशाल्लाह हम एक दूसरे के साथ खुद क्रिएट कर लेते हैं। यानी कि अगर मैं अपनी लाइफ में मैं देखूं कि मेरे फेलो बींग्स जो हैं वो बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली मुझे जेलसी होगी, मैं उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करूंगी, और आधी प्रॉब्लम वो अपने लिए खुद क्रिएट कर लेंगे मुझे फ्रेंड बना के। सो दैट इज़ द थिंग, लाइक वट वी एक्चुअली सेलेक्ट इज़ इन आवर हैंड। तो ये विजडम जो है, सेलेक्ट, विजडम टू चूज़, विजडम टू से, विजडम टू अक्वायर, ये सारी चीज़ें इंसान को देकर दुनिया में भेजा गया है। ये अकल इंसान को देकर दुनिया में भेजा गया है। तो फिर इस अकल का इस्तेमाल कब किया जाता है? ये इस्तेमाल किया जाता है जनाब, जैसे आजकल ये इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो इस वक्त की अकल सबसे ज़्यादा आपको दिखेगी सियासतदान के पास, जो आएगा और आवाम से ऐसे ऐसे वादे करेगा जिसको उसने कभी ज़िंदगी में पूरा नहीं करना। लेकिन मज़े की बात ये कि आवाम जो कि उनके सियासतदान जो हैं, उनका बैकग्राउंड बिना जाने सिर्फ और सिर्फ उनसे एक पता नहीं किस बात की मोहब्बत होती है, उस मोहब्बत के तहत आवाम उनको वोट देकर आ जाती है, उसके बाद पूरे 5 साल रोती है। सो दैट इज़ द थिंग, लाइक वट वी हैव इन आवर माइंड, द फ्रीडम टू चूज, लेकिन हम नहीं चूज करते। एनी वेज, इस एग्जाम्पल को एक तरफ रखते हैं, नॉट टू बी वेरी पॉलिटिकल इन आवर कमेंट्स, वी हैव टू गो थ्रू विद अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन में विजडम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन, अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग की बात करते हैं, वहाँ ये कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा प्रेफर की जाती है। विजडम होने के बाद एक और चीज़ जो ज़रूरी है, सिर्फ अकल होना ही काफ़ी नहीं है, लिसन फर्स्ट एंड देन आंसर, सुनना ज़रूरी है प्रॉपर्ली। हमारे यहाँ होता यह है कि बात को सुना आधा जाता है, समझते जो है, सुनते बेसिकली पूरा है, समझते क्वार्टर है आधा, और उससे भी आधा जो है वो हम आगे डिलीवर कर देते हैं, और उसके बाद जो उसका आउटकम आता है वो डबल होता है, बट इन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। आपने सुना होगा कि न्यूटन ने बार 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 अपने थर्ड लॉ में एक ही बात कही है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। तो जो हम पूरी बात को सुनकर, आधा समझकर, क्वार्टर अमल करते हैं, तो उसका जो डबल रिएक्शन हमें आता है वो ऑपोजिट होता है, और उसके बाद हम सोचते हैं, ओह माय गॉड, मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम है, मैं जिंदा क्यों हूँ, ये मेरे साथ क्यों हुआ है। आई मीन, जस्ट थिंक अबाउट इट, जब आपकी लाइफ में सक्सेस आती है, आप पूछते हैं मुझे कामयाबी क्यों मिल गई, मेरे ही साथ क्यों इतनी कामयाबी आ गई? नहीं, क्योंकि हमारा जो ये एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, जो हम अपनी विजडम को एक तरफ संभाल के हमने कहीं रख दिया, मुझे नहीं पता ये कब इस्तेमाल की जाएगी, लेकिन इसे संभाल कर जो लोगों ने रख दिया है, तो बेसिकली कम्युनिकेशन के अंदर भी ये बहुत मैटर करता है। अगर आप किसी से बात करते वक्त हाजिर रखें अपने दिमाग को, तो आपकी आधी प्रॉब्लम्स तो उसी वक्त सॉल्व हो जाती हैं। यहाँ आपको ये भी बताएंगे कि लिसन फर्स्ट एंड देन आंसर की एक बड़ी एग्जांपल ये भी हो सकती है कि आप किसी भी बात पर रिएक्ट करने के पहले पूरी बात को गौर से सुने, और उसके बाद अपना मतलूबा अमल जारी रखें।
ताकि आपकी बात को कहने वाला कम से कम आपसे ये बात कहने का मिजाज नहीं होगा कि आपने मेरी बात को पूरी तरह समझा नहीं या बगौर सुना नहीं. देन वी आर हैविंग अदर थिंग्स दैट इज हैव कॉन्फिडेंस टू शो योर आर्ग्यूमेंट्स विद फैक्ट्स एंड फिगर्स. जब आप कोई बात कर ही रहे हैं, आपके पास विजडम भी है, आपने बात को बगौर सुना भी, अब आपको जब दलाइल पेश करने हैं तो कम से कम अपनी दलाइल में फैक्ट्स एंड फिगर्स को रखने से आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाती है. हवाई बातें करना छोड़ दीजिए. When people are delivering something, when people are saying something, listen to them carefully and answer even double but with facts and figures. जब आप किसी बात की प्रॉपर दलील नहीं दे सकते, आप किसी बात का प्रॉपर सबूत पेश नहीं कर सकते, तो आप किस बिना पर किसी के साथ बहस कर सकते हैं. ये चीज़ हमारी जो अदालतों में जो एक सब मेन जो कॉन्सेप्ट है अदलिया का, वहाँ ये होता है कि जब सच्चाई सामने आती है तो दूसरा बंदा खुद ब खुद खामोश हो जाता है. अगर ऐसा ना हो, कम्युनिकेशन की ये जो प्रोसेस है ये अगर ना हो, तो इंसान बेगुनाह भी मारा जाएगा, इंसान को सज़ा भी मिलेगी बेगुनाह, और कोई उसकी बात भी नहीं सुनेगा. लिहाजा प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स हर जगह ज़रूरी हैं, चाहे वो आपकी कॉमन कन्वर्सेशन हो, चाहे वो आपके अपने फ्रेंड्स के साथ ही कम्युनिकेशन क्यों ना हो, आपके पास प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए अगर आप किसी बात पर दलील पेश करते हैं. Then we are having another last strategy that is really important for communication skill, and that is, I think, one of the most favorite of mine. Have confidence to face truth. Unfortunately, हम जब किसी को आईना दिखाते हैं तो लोग बुरा मान जाते हैं. हम जब किसी से सच्चाई शेयर करते हैं तो लोग बुरा मान जाते हैं. तो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस रखिए कि जब आपसे सच बोला जाए तो आपको उस सच को फेस करने के लिए परेशानी का सामना ना हो. आप में इतनी पावर हो, आप में इतना कॉन्फिडेंट हो, आपको खुद पर इतना एतमाद हो कि अगर आपसे आपकी बुराई शेयर की जाए तो भी आप उसे एक्सेप्ट करें. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है. हम जब किसी कम्युनिकेशन में बैठते हैं और अगर किसी इंसान से उसकी बुराई शेयर की जाती है जनाब, तो वहाँ इंसान का रद्द अमल कुछ ऐसा निकलता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया था, ये तो तुमने कहा है, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो ऐसी नहीं हूँ. अगर इसके बजाय हम कुछ इस तरह से कहें, ठीक है, हो सकता है मेरी गलती हो, हाँ वाकई मेरी गलती है, चलो अगली बार ऐसा नहीं होगा, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यहीं सॉल्व हो जाती हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात फिर वहीं आ जाती है कि हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस तो है कि हम दूसरे को गलत साबित कर सकें, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम अपनी गलती को एक्सेप्ट कर सकें. सो हैव कॉन्फिडेंस टू फेस द ट्रथ इवन इट इज़ अगेंस्ट ऑफ योर्स. That was all the strategies of having a good communication. उस पर key points मैं आपको कुछ देती चलूँ कि जब आप communication किसी के साथ कर रहे हों, जब आपकी communication one to one होती है, for example आप किसी company के employee हैं और आपके boss के साथ आपकी communication है, तो boss से बात करते हुए जनाब automatically हमारी आंखें जो हैं वो नीचे चली जाती हैं. We never see just in the eyes of the boss. और उसका फ़ायदा आपका boss बखूबी उठा लेता है. अगर एट दैट मोमेंट आप वैलिड हैं, आप अपनी रीज़न के साथ अथेंटिक हैं, तो आप उनके सामने आंखों में आंखें डालने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप उनको डराने की कोशिश करें. आंखों में आंखें डालने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये कि आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाए. एट दैट मोमेंट अगर आप अपने बॉस की आंखों में आंखें डालकर उनसे सच और अच्छी बात शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली आपको इसका रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव मिलेगा. इंटरव्यू के दौरान ये चीज़ बहुत ज़्यादा काउंट होती है, क्योंकि वहाँ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इंटरव्यूअर जब आपसे एक सवाल पूछता है कि जी हम आपको हायर क्यों करें, तो आप ऐसे ही हवाओं में कहीं देखने लगते हैं, शायद जवाब वहाँ से आएगा. इस पर इंटरव्यूअर खुद समझ जाता है कि आप खुद कंफ्यूज हैं. तो जब आपको ही नहीं पता कि आपकी स्किल्स क्या हैं, तो इंटरव्यूअर क्यों आपको समझेगा. दैट इज़ द मेन एस्पेक्ट. कम्युनिकेशन हर जगह ज़रूरी है. कम्युनिकेशन वहाँ भी ज़रूरी है जब आप किसी मास ऑडियंस से बात कर रहे हों, जहाँ एटलीस्ट 50 और 50 प्लस लोग हों. कम से कम भी 50 लोगों के दरमियान जब आप मौजूद होते हैं तो हर किसी की नज़रें आपकी तरफ होती हैं. उस वक्त आपकी जो एक फीलिंग्स होती है, आपका जो दिमाग होता है, वो खुद एक रुकी हुई स्टेट पर होता है. दैट यू हैव नथिंग टू से, यू विल बी जस्ट लाइक ब्लैंक, ओ माय गॉड ये सब मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं क्या करूँ. एंड यू एक्ट लाइक लोगों ने आपसे आपकी किडनी मांग ली है. सो एट दैट मोमेंट यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड अ लॉट एंड एक्ट रेगुलरली. हैव कॉन्फिडेंस टू फेयर इवन द थिंग्स आर नेगेटिव. Even the reality, the truth is really bitter. Have confidence to accept it. Then, अगर ये negotiation company to company होती है, अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी corporate sector के अंदर, business sector के अंदर, जब हम किसी दूसरी company के साथ कोई venture कर रहे होते हैं, कोई contract कर रहे होते हैं, वहाँ negotiation या communication skill का बखूबी इस्तेमाल किया जाना चाहिए. That never say wrong. First, never say negative.
और वहाँ अगर आप उस शख्स के साथ नेगेटिविटी को फॉलो करते हैं या अपनी बात को प्रॉपरली शो नहीं करते या अपनी डिमांड्स को प्रॉपरली शो नहीं करते, तब जाकर आपकी कम्युनिकेशन फेल हो जाती है। और कामयाबी तो खैर नहीं, लेकिन आपकी कंपनी को नाकामी का सामना ज़रूर करना पड़ता है। और अनफॉर्चुनेटली इसी तरह की कंपनीज जो हैं वो आपको डाउनफॉल का शिकार नज़र आएंगी। यानी कम्युनिकेशन इंसान को बहुत सारे एस्पेक्ट पर बचा लेती है। कॉमन एग्जाम्पल देते हैं, बिल्कुल कॉमन एग्जाम्पल आपके अपने घर में आपके अपने बच्चों की। अक्सर आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा कहते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं, और कुछ होते हैं जो पेरेंट्स से भी इवन जो है वो थोड़ा सा दूर रहते हैं, थोड़ा सा अपने आप को अलग रखते हैं, शेल में रखते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी वाले बच्चे जो हैं वो इंट्रोवर्ट कहलाते हैं। और ऐसे बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो अपने पेरेंट्स के सामने अपनी किसी विश का इजहार कर सकें, क्योंकि जो एक्स्ट्रोवर्ट बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स से हर बात शेयर कर लेते हैं, उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं होती ना, अच्छी बुरी बात बता दी, उधर से अम्मी ने मार दिया, उन्होंने सोच लिया क्या हुआ, बुरा लगेगा, मार देंगी। लेकिन जो बच्चे कुछ नहीं कह रहे होते, जो खामोश होते हैं, उन्हें अगर आप थोड़ा सा लिवरेज दें और उन पे कॉन्फिडेंस जाहिर करें कि ठीक है, वी हैव कॉन्फिडेंस ओवर यू, वी नो यू आर गुड, वी नो यू आर राइट, तो एटलीस्ट अच्छा या बुरा हमसे शेयर करो। सो ये कॉन्फिडेंस आपको अपने स्पीकर को देना होता है, ये कॉन्फिडेंस आपको कम्युनिकेशन में एक दूसरे पर रखना होता है कि सही या गलत, अच्छा या बुरा, कम से कम बात को कहने की आज़ादी होनी चाहिए। यह आज़ादी तो इंसान को फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हमेशा से है, ये आज़ादी तो इंसान जब दुनिया में आया था तब से, बाबा आदम के ज़माने से चली आ रही है। लेकिन ये आज़ादी हम किसको देते हैं? डेमोक्रेसी के नाम पर सिर्फ उन लोगों को जिनके हाथ में पावर है, चाहे वो किसी कंपनी के बॉस हो, चाहे वो किसी कंट्री के सियासतदान हो, चाहे वो किसी आला तबके के लोग हों जो कि मतवस्त तबके के लोगों के ऊपर हावी होते हैं। तो ये आज़ादी स्टेटस के बिना पर दी जाती है, जबकि ये आज़ादी जो है वो हर लेवल के इंसान को है। यह आज़ादी एक एलीट क्लास को भी हो सकती है, एक मीडियोकर को भी हो सकती है, और एक लो क्लास, एक आम लेबर को भी हो सकती है। इससे आपके स्टेटस का कोई ताल्लुक नहीं है। दैट इज एक्चुअली द मैटर ऑफ स्पीकिंग। हमने अब देखा है, जब कहा जाता है कि मीडिया आज़ाद हो गया है, कहाँ हो गया है ये आप सब जानते हैं, लेकिन मीडिया के आज़ाद होने के बाद कम से कम आवाम की जो आवाज़ है वो क्लियरली सामने आती है, जिसमें बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल हैं जो कि लोअर एरिया जो है हमारे जेपरडाइज एरिया है, वहाँ से लोग निकल कर कम से कम अपनी बात का इजहार कर रहे हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल्स। कीप शेयरिंग वट एवर यू आर हैविंग इन योर माइंड, कीप लिसनिंग टू अदर्स यू हैव गुड नॉलेज, एंड ऑब्वियसली कीप कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर टू हैव गुड वर्ल्ड। दैट वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक, आई होप यू लाइक इट। अच्छा, आपकी ईमेल्स मिल रही होती हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। इसी तरह से हमें फीडबैक देते रहा करें, क्या अच्छा लगता है प्रोग्राम में, क्या नहीं अच्छा लगता, क्या समझ आता है, क्या नहीं समझ आता, कुछ मज़ीद पूछना चाहते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ कमेंट भी कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन भी है आपके पास, इससे आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहेंगी। प्रोग्राम को इसी तरह लाइक करते रहिए, अपनी ईमेल्स हमें भेजते रहिए, थैंक यू सो मच, आपका फीडबैक मिलता है, प्रोग्राम पसंद करते हैं उसके लिए। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए, इंशाल्लाह अगली एपिसोड में हाजिर होंगे मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ और कुछ मज़ेदार टॉपिक लेकर। तब तक अपनी मेज़बान ज़ेबर रहमान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगेबान।